जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नुशेर वहान स्पेन। सर ये देखिए, आज मैं आया हूँ, ये मुसलमानों की बनाई हुई है। जब यहाँ पे गवर्नमेंट मुसलमान की थी तो तब का बना हुआ है, तो अभी तक उन्होंने इसको सेव किया हुआ है। हिस्ट्री जो मुसलमान है, ये इधर बैठ के ना तो राइट साइड पे आप देखेंगे ये पोर्ट है, तो यहाँ पे बीच आ जाएगा। ये रात को इधर बैठ के थे, यानी जो दुश्मन थे ना उनको देखते थे, जो कोई हमला तो नहीं कर रहा। जब मुसलमानों की हुकूमत, तब की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा व्यू है। ये देखिए, ये सारा बीच है, आगे समुंदर है। ये इधर से मोरक्को होगा तकरीबन इनसाइड द वाटर, आई थिंक 50-60 किलोमीटर मोरक्को होगा। तो ये इसलिए इन्होंने तब का बना हुआ है, बहुत पुराना बना हुआ है, इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है। यहाँ पे 750 साल मुसलमान रहे हैं यहाँ पे, ये इसलिए उन्होंने सेफ किया हुआ है इसको। यहाँ पे जो उनकी सिक्योरिटी थी, और देखते थे कि कोई समुंदर से हम पे अटैक तो नहीं कर रहा, तो उन्होंने इसके पे लाइटें भी लगाई हुई हैं, बहुत अच्छा सेफ किया हुआ है, हर चीज़ उन्होंने दी हुई है। इतने पता नहीं 1000 साल हो गए होंगे तब से ये बना हुआ है। तो इसके साइड पे ये सी लाइफ, जहाँ फिश वगैरह उन्होंने बच्चों के लिए लगाए, बच्चों को देखने के लिए वाटर में होती हैं, तो वो टिकट लगी हुई है, ये सी लाइफ है। तो अभी मैं इन साइड जाके अंदर की साइड से दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह, ये बेस्ट प्लेस है खूबसूरती वर्ल्ड में। बहुत लोग इधर आते हैं, अभी तो कोरोना की वजह से कम लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हर वक्त इधर 10-20,000 पीपल, 10-20,000 लोग वैसे घूम रहे होते थे। तो समर में यहाँ तो टाइम, रेस्टोरेंट में टाइम नहीं मिलता खाने के लिए, इतना रश होता था। तो अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी है। तो नेक्स्ट मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। इस साइड पे देखें, ये सारे होटल बने हुए हैं, सब खाली एम्प्टी पड़े हुए हैं। तो ये मेरी गाड़ी भी खड़ी है, तो मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाने के लिए, मैं देखते हैं आज। कोल्ड भी बहुत ज़्यादा है, ठंडक बहुत ज़्यादा है, हवा भी चल रही है। ये दूसरी अपोजिट साइड है, लेफ़्ट में जाएंगे तो फिर बीच आ जाएगा, आगे सारे वही सिस्टम चलेगा। तो अभी मैं दोबारा जाता हूँ, इसका हम पोर्ट को पोर्टो मरीना कहते हैं। नेम सब मुसलमानों के हैं यहाँ पे ना, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वो बैन अल मदीना है। जो नेम ज़्यादा यहाँ पे मुसलमानों के ही हैं, जो पुराने नेम चल रहे हैं। ये देखो, बहुत ही खूबसूरत एरिया ये है, तो महंगा भी है। ये मैं फिर आपको एक दफ़ा व्यू करूँ, पता नहीं 1000 साल हो गए होंगे, इससे भी ज़्यादा हो सकते हो गए। ये 5 स्टार सब होटल हैं, सब बंद है, हर चीज़ बंद है यहाँ कोरोना की वजह से, क्योंकि यहाँ पे डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। इतनी इतनी बिल्डिंग, होटल जो हैं सब खाली पड़े हुए जी। भी बस ये देखें, ये बोट खड़ी है, ये इसमें ये सब पब्लिक की बोट्स हैं, जो रेंट पे इधर खड़े करके जाते हैं ना, वो रेंट देते हैं, पर मंथ होगा या जैसे भी उनका सिस्टम होगा। ये बोट बहुत बहुत बड़ी खड़ी है, सब प्राइवेट पब्लिक की हैं, लोगों की हैं। तो अभी खड़ी हैं, तो ये समर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है इसकी। इसमें कुछ यहाँ पे जो उनकी पुलिस है, जैसे हमारी रेंजर्स हैं, उनकी पुलिस की भी खड़ी हैं, वो वॉच कर रहे होते हैं समुंदर में। तो कभी ये पानी जो वाटर है ग्रीन नज़र आता है, कभी ब्लू नज़र आता है। ये मेडिटेरेनियन सी है हमारा, तो ये कभी ब्लू तो कभी ग्रीन नज़र आता है। अभी इस तरफ देखें तो ग्रीन नज़र आ रहा है। विंड ही बहुत ज़्यादा है, कोल्ड भी है। ये देखें, अभी इधर सी जो है ग्रीन नज़र आ रहा है। इस तरफ जो है बच्चों की ट्रेनिंग के लिए बोट्स जो है ना, वो स्मॉल सामने नज़र आ रही हैं। ये बच्चों का इन्होंने स्कूल बनाया, जो ट्रेनिंग करते हैं बोट की, छोटे बच्चों की। ये सामने स्कूल नज़र आ रहा है, अभी भी कुछ बच्चे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे बोट को कैसे मूव करना वाटर में। सामने वो एक पिलर बना, उसके ऊपर ग्रीन लाइट है, सिग्नल है,
अगर रात को अगर भूल जाता है कोई बोट वाला तो वो साइन दे रहा है कि इस तरफ बोट है, यहाँ पे आप बोट लेके आ सकते हैं। डेंजर भी हो सकता है ना, आजकल विंटर में वैसे ही जो है बीच जो है ना पानी जो है पानी का फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है। सर्दी में वेरी क्वाइट होता है, गर्मी में वेरी क्वाइट होता है, सर्दी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट और हलचल हो जाती है वाटर में। आगे चलते आगे देखते हैं। जी वेवर ये देखें, ये वाटर में बोट भी खड़ी है और साथ इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर घर भी बने हुए, अपार्टमेंट बने हुए हैं। ये पानी के अंदर है, ये बेस्ट प्लेस है, बहुत पब्लिक देखने आती है, दुनिया से वर्ल्ड से लोग आते हैं देखने के लिए। ये सब प्राइवेट बोट है जिसको कश्ती कहते हैं। तो ये साथ ये घर बने हुए हैं वाटर के अंदर, ये इसका नाम है पोर्टो मरीना। ये सब घर हैं, इनको छोटे छोटे ब्रिज दिए हुए हैं, गाड़ी अंदर गाड़ी भी अंदर जाती है, अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग भी है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव बहुत महंगे हैं। अभी लाइट लाइट्स ऑन होंगी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा।